रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है अननोन सिस्टम बाय व्हीटस्टोन ब्रिज। आज हम देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज से कैसे अननोन सिस्टम फाइंड करते हैं। तो ये मेरी क्लास मेडिकल बॉयज सेकंड ईयर है, तो आप देख सकते हैं ये हम ग्रुप में कर रहे हैं और अभी ये मैं इनको इंस्ट्रक्शन एक दफ़ा करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद ये स्टूडेंट सब खुद ही करेंगे। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शन में दो तीन बातें हम पहले इंपॉर्टेंट देखेंगे, फिर साथ परफॉर्मेंस पे आएंगे, फिर आप तमाम स्टूडेंट्स आप खुद करेंगे। तो इसमें देखें, ये जो ऑपरेटर्स हैं पहले इसको समझ लेते हैं। ये हमारे पास ये जो बोर्ड है, वुडन ब्लॉक है, इसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। और इधर प्रैक्टिकल में पढ़ रहे हैं, थ्योरी में व्हीटस्टोन ब्रिज कहा था, और इधर इसका नाम है स्लाइड वायर ब्रिज। और स्लाइड वायर ब्रिज में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं ये देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर हमने बैटरी से शुरू करना है। तो बैटरी में आप देखें ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। अगर आप इसको क्लोजली देखें पॉजिटिव टर्मिनल है और साथ ही इसका नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरी के साथ ये हमने वायर कनेक्ट की हुई है। तो अब ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है हम इधर कनेक्ट कर देंगे व्हीटस्टोन ब्रिज स्लाइड वायर ब्रिज के ए टर्मिनल के साथ। और यहाँ पे मैंने ए टर्मिनल मेंशन कर दिया। और उसके बाद बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलते हैं। तो देखें यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आगे की के साथ कनेक्ट है, की अभी ओपन है, इसको बाद में हम क्लोज कर देंगे। अब यही वायर आगे कनेक्ट की हुई है हमने सी के साथ, इस टर्मिनल को सी कह दिया। सी अभी नेगेटिव टर्मिनल है क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो देखें जरा आप इधर गौर से देखें, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल से ये करंट फ्लो कर रहा है और इधर कनेक्ट किया नेगेटिव को, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये मैंने आपके लिए इधर कर दिया। और दूसरी तरफ आप अगर आएँ तो यहाँ पे देखें पॉजिटिव टर्मिनल है और पॉजिटिव टर्मिनल से वायर ए के साथ कनेक्ट है, तो इधर मैंने इसको पॉजिटिव कह दिया, ठीक है। ये इसके पहले दो पॉइंट हो गए, हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाए, तो दूसरे पॉइंट में यहाँ पे हमने लगाया हुआ है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, इसको एच और जी के नाम दिए दिए। और यहाँ पे एक वायर को एच और दूसरी वायर को जी के साथ कनेक्ट कर दिए, ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया। इसमें मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है ये 10,000 है, ठीक है। इसमें से जो की हम निकालेंगे वो रेजिस्टेंस हो जाएगी। अब मैंने 10,000 की ओपन की तो इसमें 10,000 रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, इधर आ जाए दूसरी तरफ, ये अननोन वायर लगाई हुई है, अननोन वायर इसकी हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। यहाँ पे ये वायर है, इसकी अननोन रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। और साथ ही इधर ये पॉइंट है, इसको एफ कहा हुआ है, बुक में इसको डी कहा हुआ है, हमने इसके साथ ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया और ब्लैक के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो ब्लैक नेगेटिव टर्मिनल है। और दूसरा ये टर्मिनल साथ वाला यूज करेंगे, ये भी कर सकते हैं, ये हाई रेजिस्टेंस के लिए होता है और ये लो रेजिस्टेंस के लिए होता है। तो इसके साथ नेगेटिव से कनेक्ट किया और साथ ही इसके साथ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, इसको जोकी कहते हैं। जब हमने बुक में पढ़ा था इसको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी कहा था, तो अब इसको हम जोकी कह रहे हैं। ये हमने ऑपरेटर सारा कनेक्ट कर दिया। अब देखना चाहते हैं कि ये ऑपरेटर्स करेक्टली कनेक्ट किया हुआ है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। अगर मैं इस ए पॉजिटिव के साथ ये जोकी लगाऊंगा तो राइट साइड पे, अगर मैं दूसरी तरफ लगाऊंगा तो ऑपोजिट डिफ्लेक्शन आ रही होगी। तो इसमें कनेक्ट करते हैं, तो आपने क्लोजली इसको देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे की को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये सर्किट स्विच क्लोज हो गया। अब देखें आपने ये इस पर भी फोकस करना है, ये नीडल अभी जीरो पे है और मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। मैं जैसे ही इसको कनेक्ट करूँगा ए के साथ, तो एक साइड पर डिफ्लेक्शन आएगी। तो यहाँ पर ए पॉजिटिव है तो ए के साथ कनेक्ट किया, तो ये पॉजिटिव साइड पर डिफ्लेक्शन आ रही है। और अगर आप देखें एक साइड नेगेटिव डिवीजन है और दूसरी साइड पर पॉजिटिव डिवीजन है। हमने पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाया तो ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। अब दूसरी तरफ लगाते हैं नेगेटिव पे, तो नेगेटिव साइड पे डिफ्लेक्शन आएगी। अब इसको इसी तरह हम दूसरी तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे देखें नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव टर्मिनल सी है, इसको नेगेटिव से लगाया तो आप देख रहे हैं गौर से देखें कि डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर की नेगेटिव की साइड पर आ रही है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि हमारा ऑपरेटर्स करेक्टली कनेक्ट है। स्टूडेंट्स आपको कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है, ये हाफ डिफ्लेक्शन मेथड क्यों हम यूज़ करते हैं? ये हाफ डिफ्लेक्शन मेथड नहीं है, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, यहाँ हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में पढ़ा था करंट हाफ हो जाता है, इसलिए उसको हम हाफ डिफ्लेक्शन मेथड कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ऑपोजिट डिफ्लेक्शन क्यों आ रही है। हमने राइट साइड पर लगाया तो एक तरफ डिफ्लेक्शन आ रही है, ऑपोजिट लगाया तो ग्लोनोमीटर में भी ऑपोजिट डिफ्लेक्शन आ रही है। इसका मतलब ये इसलिए ऑपोजिट डिफ्लेक्शन है क्योंकि जब हम ये यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, जब इसको पॉजिटिव की तरफ लगाएंगे तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा। जब ये की को जोकी को हम दूसरी तरफ लगाएंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो इधर डिफ्लेक्शन भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव की तरफ आ जाएगी। यानी क्वेश्चन ये हुआ आपका कि ऑपोजिट डिफ्लेक्शन क्यों आ रही है। ऑपोजिट डिफ्लेक्शन इसलिए आ रही है क्योंकि राइट साइड पर लगाएंगे तो पॉजिटिव साइड पर डिफ्लेक्शन आएंगे, नेगेटिव की तरफ लगाएंगे तो इधर डिफ्लेक्शन भी नेगेटिव की तरफ आएंगे। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। चलिए आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब ये बुक में टेबल बना हुआ है, तो आपको पहले ये टेबल दिखाते हैं। टेबल पे आप फोकस करें,
यहाँ पे आर हम रेजिस्टेंस लिखेंगे, ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स ही होगी, ये फर्स्ट एल वन बेंसिंग लेंथ होगी, सेकंड हमने फाइंड करनी हंड्रेड माइनस एल वन, और ये लास्ट पे हमने ये फॉर्मूला व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्मूले से बनाएंगे एक्स इक्वल टू आर एल टू ओवर एल वन। ये एक्स अननोन है, ये आर कैपिटल आर हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, एल वन और एल टू हम डायग्राम से अभी देखते हैं। तो आइए इधर हम स्टार्ट करते हैं, की को क्लोज किया हुआ है, यहाँ से लेट से हम यहाँ पे फर्स्ट टू ओम रेजिस्टेंस निकालते हैं। आप यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस बॉक्स को देखें तो यहाँ पे ये टू लिखा हुआ है, तो टू यहाँ पे निकालेंगे, की टू की ओपन की तो यहाँ पे टू ओम रेजिस्टेंस आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये जीरो जीरो सेंटीमीटर, इसके स्केल की दूसरी साइड पे हंड्रेड सेंटीमीटर होगा। अब स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो गैल्वेनोमीटर की हम डिफ्लेक्शन देखेंगे कि ये मैक्सिमम आ रही है। आप डिफ्लेक्शन देखें तो मैक्सिमम है, और ये ज़ीरो आनी चाहिए। तो इधर से हम इसको स्लाइड कर रहे हैं, अगर आप इसको देखें तो हम जोकी को स्लाइड बाय ब्रिज पे स्लाइड कर रहे हैं, और करंट अभी उतना ही है। आगे चल के देखेंगे कि स्लाइड करने से यहाँ पर करंट रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है, और इसको हम यहाँ पर लेते हैं, स्लाइड करते हुए हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। तो अब देखें ये नियर टू ज़ीरो हो रही है, अब गैल्वेनोमीटर पे देखें मैं स्लाइड करता जा रहा हूँ, ये ज़ीरो से बैक हो गई, अब ये एग्जैक्ट ज़ीरो पे आ गई। अब ये जो ज़ीरो रीडिंग आ रही है हम इधर से रेजिस्टेंस नोट कर लेंगे, इस वक्त जो रेजिस्टेंस आ रही है 82 आ रही है, ये स्केल के ऊपर लिखा हुआ है। तो ज़ीरो से 82 वन वाली ये सारी एल वन हो जाएगी, स्मॉल एल वन, और इससे दूसरी तरफ जो रेजिस्टेंस होगी इसको स्मॉल एल टू कह देंगे, और ये हम रीडिंग आगे पुट भी कर लेंगे, ये हमने नोट भी कर ली। अगर आप इस बुक में देखें तो ये कैपिटल आर पहले हमने 2 ओम पुट की, और इस पे जो रेजिस्टेंस एल वन आ रही है वो 82 है, और रिमेनिंग आप 100 में से माइनस कर दें, 100 माइनस 82 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 18 आ जाएगी, यहाँ पे 18 लिखी है। अब ये इसमें सॉल्व कर लें, पुट कर लें, कैपिटल आर स्मॉल एल टू एल वन, इसको सोल्व करेंगे तो ये फर्स्ट अननोन रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब इधर हम देखते हैं ये जो वायर लगाई हुई है इसकी ये अननोन रेजिस्टेंस आ जाएगी, इसको अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे और देख लेंगे ये कितनी होगी। अब देखें सेकंड ऑब्जर्वेशन करनी है हमें, सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए हम यहाँ पर रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से पहले हमने 2 निकाली थी, अब 3 निकालेंगे, फिर 4, फिर 5, ये 4 ऑब्जर्वेशन हम करेंगे। तो एक हम निकाली, दूसरी मैं जल्दी से करके दिखाता हूँ, फिर हमने रीडिंग्स निकाली हुई हैं उधर से डायरेक्ट देख लेंगे। तो अब इधर से 2 निकाली थी, अब यहाँ पे आप क्लोजली देखें ये की 2 ओपन है, तो यहाँ से दूसरी भी ओपन कर देंगे तो ये 1 और 2 लिखा हुआ है, तो टोटल जो रेजिस्टेंस आ गई ये 3 ओम हो जाएगी। अब इस वक्त सर्किट में 3 ओम रेजिस्टेंस है, अब इसको अगेन परफॉर्म करते हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे 0 सेंटीमीटर से, और यहाँ पे देखेंगे गैल्वेनोमीटर का करंट 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं ये स्लाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर पे, स्लाइड करते 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 इसको देखा तो अभी भी मैक्सिमम है, तो दूसरी तरफ इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आप साथ इसकी नीडल भी ऑब्जर्व करें, इसको क्लोज करते हैं, इसको स्लाइड करते करते हमने देखा कि अभी भी करंट ये अब चेंज होना शुरू हुई है, अब इसको ज़ीरो हमने करना है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का करंट ज़ीरो है। अभी हम नोट कर लेंगे ये कौन सी रीडिंग है, अब ये आ रही है 85, तो 0 से 85 वाली ये स्मॉल L1 हो जाएगी, और रिमेनिंग उधर वाली L2 हो जाएगी, तब उधर L2 यानी 15 ओम आ जाएगी। अब ये रीडिंग हम नहीं इधर लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 85 आ गई स्मॉल L1, और ये जो कैपिटल आ रहा है 3 ओम है, इस पर 85, और यहाँ पे जो 100 माइनस L1 करेंगे L2 के इक्वल होगा, ये 15 आ जाएगी, यहाँ पे 15 लिखेंगे हम, लिखें 15, और आगे फिर इसको सोल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से, ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। पहले रीडिंग ली हुई है 2 पे, ये हमने ऑलरेडी रीडिंग्स ली हुई हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने पहले 2 ओम निकाली, फिर 3 ओम, फिर ऐसे ही 4 और 5 निकालेंगे तो ये हमने रीडिंग्स ले ली, और इसको हमने फिर सॉल्व भी किया इस फॉर्मूले में पुट करके, तो ये 1, 2, 3, 4 ऑब्जर्वेशन आ गई, 4 रीडिंग्स आ गई रेजिस्टेंस की। इसका हम एवरेज ले लेते हैं, एवरेज लिया तो हमारे पास आ गया 0.460 ओम। तो ये यहाँ पे आप देखें ये वायर जो कनेक्ट की हुई है इसकी रेजिस्टेंस अब हमारे पास आई 0.46 ओम। तो ये हमने देख लिया कि हम अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये मेथड है हाफ वीस्टोन ब्रिज स्लाइड वर्क ब्रिज, जिसमें हम स्लाइड कर रहे हैं,
आज हमने कर लिया, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ चलेंगे। तो अब मिलते हैं, इजाज़त दें नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। अल्लाह हाफिज़।